हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज ज्ञान विश्वकर्मा। कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में स्वागत है गाइस। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे करते हैं गाइस। अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप नहीं करना आता तो इस वीडियो को जरूर देखना। सो गाइस, सबसे पहले चाहिए होगा हमें एक हेलमेट जिसमें हमें इसके चिन पे करना है सेटअप, सब इसके चिन पे करना है। हम मोटो ब्लॉगिंग करते हैं बाइक राइडिंग करते समय जो वीडियो मेन बनाते हैं वो इसके चिन में रख के कैमरा या फ़ोन अथवा फ़ोन रख के हम वीडियो करते हैं, उसी को मोटो ब्लॉगिंग कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ जो मोटो ब्लॉगिंग किसे कहते हैं। मोटो ब्लॉगिंग उसे कहते हैं जो हम बाइक चलाते टाइम आगे जो व्यू दिखता है उसे हम जहाँ जहाँ पे चलेंगे उस व्यू को दिखाएंगे। यहाँ पे कैमरे को रख के हेलमेट के चिन पे रख के व्यू दिखाएंगे और बोलेंगे, हम जो बोलते हैं जो देखते हैं वो बोलते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उसे मोटो ब्लॉगिंग कहते हैं गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हमें इसके लिए मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप के लिए सामान चाहिए होगा जो इस प्रकार है। हमारे पास ये नीचे देख सकते हो आप, ये सब सामान उपलब्ध है। ये आपको बाज़ार में सस्ते मस्ते में ही मिल जाएगा। और ये एक दो तीन चार सामान है। और एक आपको फ़ोन चाहिए होगा और एक एयरफोन चाहिए होगा जो मेरे गले पे है। सो गाइस, अब इसे कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। सबसे पहले ये हेलमेट लेने के बाद अगर ये आपके हेलमेट के आगे ये तो इसे ऊपर कर लेना गाइस, हल्का ये खोल लेना, इसे खोलना पड़ेगा, ये खुल जाएगा। खुलने के बाद जो ये एक्सेसरीज है ना, इसका ये मेन इसके ग्रिप के लिए आता है, ये रेड ग्रीन कलर का है, ये चीज़ है, ये इसके ग्रिप के लिए है गाइस। फ़ोन अथवा गोप्रो उसके लिए, ये आपके गोप्रो 40-45 हज़ार होगा, फ़ोन भी उसी प्रकार होगा, तो वो उसकी सेफ्टी के लिए ये ग्रिप होता है ना, और कैमरा हिले ना इसके लिए ये ग्रिप आता है। ये देखो गाइस, ये ग्रिप है और सबसे पहले आपको ये लगाना है इसी प्रकार, देख सकते हो आप। ये देखो गाइस, ये आप देख सकते हो कैसे लगाना है इसे। ये हो गया, ये लगा के और इसके चिन पे लगाना है गाइस। ये देखो, ये चिन पे ऐसे लगाना है कि ये ट्रायंगल शेप का होता है, ये आपका स्टार टाइप का होता है, एक दो तीन होता है, ये एक दो तीन होता है। और ये इसके जो ये दो है ना, दो ऊपर लगाने और ये नीचे एक लगाना है जिससे ग्रिप अच्छा बना रहा है इसके शेप के हिसाब से गाइस। और ये हो गया यहाँ पर ग्रिप लगाने के लिए, यहाँ पर बन गया। बनने के बाद जो ये मैंने ये हटा दिया था ना, ये इसके अंदर डाल देंगे, ये इधर यहाँ पे अंदर डाल देंगे, इधर डाल देंगे और ये भी इधर डाल देंगे गाइस। और इसे यहाँ से लगा देंगे और ये हो जाएगा ऐसे, आराम से देखो भाई, सब कुछ देखिए चलिए। और ये देख सकते हो अंदर आप देख सकते हो, ये दो ये तार इसका जो ये है ये कसने के लिए निकाल रखा है, ये यहाँ से कस देंगे गाइस, इसे लगा के पूरा टाइट कस देंगे। अभी यहाँ पे दोनों को पहले इसे हल्का कसेंगे, फिर इसको जो दूसरा है ना इसका, इसको हल्का कसेंगे, फिर दोनों को साथ कसेंगे गाइस, दोनों को साथ कसेंगे क्योंकि दोनों का डिसबैलेंस ना हो जाए इसीलिए। ये देखो, ये और दोनों को साथ कस के ये लगा देंगे और आपका ये हो गया सेटअप गाइस। ये हो गया, ये देख सकते हो आप, एकदम बीच में करना है, अरे नाचिक ले रहा है, एकदम बीच में करना है, ये बीच में होगा। ये देखो ये हिल नहीं रहा गाइस, इतना वो हो गया। ये जो ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर का ये ग्रिप के लिए गाइस, मेन काम इसका ग्रिप के लिए कि वीडियो करते समय हमें कोई दिक्कत ना आए, हिले डुले ना इसीलिए। ये देखो। सो गाइस, अब इतना हो चुका है हमारा, अब हम इसमें लगाएंगे फ़ोन होल्डर को गाइस। फ़ोन होल्डर कैसे लगाएंगे देखना गाइस, अब ये देख सकते हो, फ़ोन होल्डर हमेशा ऐसे लगाना है गाइस, अच्छे व्यू के लिए, मोटो ब्लॉगिंग करते समय अच्छे व्यू के लिए हमेशा ये फ़ोन होल्डर को हल्का ऐसे अपवर्ड टाइप में लगाना है, ऐसे लगाना गाइस क्योंकि मोबाइल से करेंगे हम मोटो ब्लॉगिंग, उसके लिए बेस्ट ऐसा ऑप्शन रहता है गाइस, कभी भी ऐसे करके मत लगाना गाइस। तो गाइस, मैं हमेशा ऐसे लगाता हूँ तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा फिलहाल।
यहाँ पे अभी इसे कस देंगे। ये हमारा हो गया है कंप्लीट गाइस, ये हमारा हो गया है कंप्लीट, ये हो गया मोटो ब्लॉगिंग के लिए कंप्लीट। अब इसमें लगाएंगे एयरफोन गाइस, एयरफोन लगाएंगे जो ये मैं ब्लूटूथ वाला लगाऊंगा। ब्लूटूथ वाला कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा, और हेलमेट में कैसे सेट करेंगे बताऊंगा, और इसमें हम फ़ोन अटकाएंगे। अब गाइस फ़ोन ये लग जाएगा आपका ऐसे, गाइज ये रहा गाइज। फाइनली गाइज ये सेटअप हमारा रेडी हो चुका है गाइज, ऐसे दिखेगा ये फाइनली गाइज, ये देखो ऐसा दिखेगा गाइज, फाइनली ऐसा दिखेगा। ये फाइनली सेटअप रेडी हो चुका है आपके, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है गाइज, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए। ये सेटअप मैंने बता दिया है, ये बहुत अच्छा सेटअप है, आप करके जो ट्राई करना और कैसा व्यू आता है वो देखना। और इसमें अब फाइनली अब ब्लूटूथ वाला मेरे पास अभी ब्लूटूथ वाला है, सो गाइज मैं अभी ब्लूटूथ वाला लगा के दिखाऊंगा, और आप एयरफोन वायर वाला भी लगा सकते हो, और कैसे अंदर कैसे सेटअप करना मैं बताता हूँ। ये देखो गाइज ये अंदर देख सकते हो, और मैं फ़िलहाल तो ये ब्लूटूथ वाला लगा के दिखाऊंगा। इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर देना है, मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, कनेक्ट करने के बाद ये निकाल लेना है गाइस। इसके साइड हर किसी हेलमेट ऐसा लेना, ये रिमूवेबल वाला वॉशेबल हेलमेट लेना। सो गाइस मैंने बता दिया है वॉशेबल लेना चाहिए हेलमेट, जब भी लोगे तो वॉशेबल लेना, ये निकला ये निकल जाता है एकदम आराम से, ये निकल जाता है वॉशेबल में। सो ये है हेलमेट के अंदर ये एयरफोन लगाने के लिए, ये जो ब्लूटूथ का है ना, ये आगे जिस टाइम पे हम बोलते हैं ना उसे आगे रखना है, एकदम चिन पे रखना है, और बाकी को यहाँ पे घुसा देना है गाइस, बाकी को यहाँ पे घुसा देना है, इस प्रकार घुसा देना है, और ये पीछे का भी खुल जाता है, ये हर किसी पॉसिबल हेलमेट में खुल जाता है, ये आप देख सकते हो ये खुल जाएगा, और इसे अच्छे से यहाँ पे लगा देना है गाइस। ये इसके अंदर भी घुसा सकते हो, इसके अंदर घुसा के जो ये है ना, इसके अंदर भी घुसा सकते हो अच्छे से, और यहाँ पे इसे कस देना है। इसका बटन कहाँ है, ये आओ ये हो गया टाइट, एकदम अच्छे से हो गया गाइस, ये देख सकते हो आप, ये इसका जो ये जिस टाइम पे हम बोलते हैं ना, जिस ये आगे चीन पे रखना है, चीन पे रख के इससे अच्छी क्लियर आवाज़ सुनाई देगी, अगर हम पीछे लगाएंगे कान के साइड में लगाएंगे या फिर सर के पीछे लगाएंगे तो ये अच्छे से आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देगा, ये चीन पे रखना है एयरफोन का, ये चीन पे रखना है तभी आवाज़ क्लियर आएगी। फाइनली हम रेडी हो चुका है हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप विद फोन। सो गाइस अब वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाओ, ऐसा ही है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वीडियो बनाओ, इंजॉय करो, वीडियो वायरल करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस मेरे वीडियो को, और मैं ऐसी वीडियो और भी लाता रहूँगा। सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, अब वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना गाइस। सो गाइस अब और क्या बताना है, इतना ही है गाइस, ये देख सकते हो आप, ये बहुत अच्छा मैंने सेटअप बना के दिया है, मैंने आपको एक नॉलेजेबल वीडियो बना के दिया है, इसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना गाइस। सो गाइस अब वीडियो को एंड करते हैं, इतना ही था मेरा वीडियो आज का। सो गाइस बाय बाय।